हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट, ठीक है। डिटेल में हमने देखा था हीट के को कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके, और एक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मैंने बताया था, टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। उसको थोड़े छोटे मोटे से डेरिवेशन थे वो मैंने बताए थे, ठीक है। और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके दो मेथड हो सकते हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस करे थे। लास्ट में मैं इंट्रोड्यूस करा था एक गामा, जिसको हमने बोला था पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम उस पर बात करने वाले, पॉइजन्स रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के, वो हो सकता है मोनो एटॉमिक भी हो, डाई हो या पॉली एटॉमिक हो, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसी में वो आ जाएगा कैसे कैलकुलेट किया, तो नाम से पता लग रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम का हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम, नियोन, एर्गन वगैरह, या दो एटम का हो जैसे O2 है, N2 है, ठीक है, Cl2 है, या फिर तीन एटम का हो जैसे CO2 है, या चार का हो CH4, NH3, ऐसे कोई भी हो। तो हर एक एटम की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि स्पेस के अंदर किस तरीके से वो मूव करेगा। तो इन जनरल बोलो तो स्पेस में तो x, y और z तीन ही एक्सिस होती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए, तीन ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग टाइप की देखनी है। तो उसी को स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल f से, ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, या DOF भी लिख देते हैं हम शॉर्ट में कई बार। अब यहाँ पे एक assumption हमने माना है, लेट n एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल मतलब हो सकता है n वन ही हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन वगैरह के लिए, या फिर मैं बोलता हूँ n हो सकता है 2 हो, जैसे ऑक्सीजन में कितना एटम है 2, या CO2 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3, CH4 के लिए कितनी होगी 5, NH3 के लिए कितनी होगी 4। तो N बता रहा है वो मॉलिक्यूल, हो सकता है मोनो एटॉमिक के मतलब, मोनो मतलब है वन, एटॉमिक मतलब एक ही एटम हो उसके अंदर, डाई का मतलब दो एटम हो, ठीक है, पॉली का मतलब दो से तो ज्यादा ही, दो या दो से तो ज्यादा ही, ठीक है। तो N बता रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है गैसेस मॉलिक्यूल में, देन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज उसकी ऑलवेज, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा, ऑलवेज उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करा वो 3 × n होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक अगर होगा, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, हीलियम आ गया मेरे पास जैसे, नियोन आ गया, एर्गन आ गया, ठीक है, और क्रिप्टॉन आ जाएगा, ज़िनोन आ जाएगा, सब क्या मोनो एटॉमिक है, ठीक है, हीलियम, नियोन, एर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। यहां पर n की वैल्यू क्या है इनके लिए, इनके लिए n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना आप 3n है, दैट मीन्स 3 × 1 = 3, मतलब मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ऑलवेज 3 होगा, गैस कोई सी भी हो, ठीक है, इसका मतलब ये। इसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया क्या हो डाई एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई एटॉमिक बोलू, या फिर मैं बोलू क्या और लीनियर, ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड करा, लीनियर, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ इसमें, है ना, तो एग्जाम्पल इसके है जैसे मैंने बोल दिया O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2, ये तो सारे कैसे डायटोमिक। अब जैसे मैंने बोला CO2, अब CO2 डायटोमिक तो नहीं है लेकिन पॉली का मतलब है दो से ज़्यादा, दो तो C और O, दो O कितने हो गए टोटल 3, लेकिन इसमें क्या लिखा मैंने वर्ड लीनियर, लीनियर का मतलब है कि हमने पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हमें पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, उससे हमें पता लगता है शेप, ठीक है, ज्योमेट्री पता लगती है। तो CO2 का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज होगा कार्बन, डबल बॉन्डेड दोनों ऑक्सीजन के साथ होगा, तो ये कैसा होगा लीनियर शेप। ऐसे कितने भी हो सकता है 5 मॉलिक्यूल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे हमने बोला मैं बोलता हूँ अगर कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, मॉलिक्यूल तो कितना हो गया उसमें, टोटल एटम तो कितना हो गए 5, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेडॉक्स में हमने देखा C3O2 को कार्बन सब ऑक्साइड बोलते, उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है लीनियर ही होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे आ जाएंगे, या तो डाई हो या
पॉली एटमों को, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लीनियर। फिर उस केस में क्या है, बस हमें काउंट करना है। अब इसके लिए तो फिक्स हो गया, अब इस केस में क्या होगा, जब मैं एफ इक्वल्स टू 3n लिखूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूंगा 3n, तो n की वैल्यू O2 के लिए तो क्या हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ बात करूँ इन सभी के लिए n की वैल्यू, तो O2 के लिए तो हो जाएगी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। तो ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। लेकिन हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो 3 इंटू एन रहेगी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और लास्ट थर्ड कैटेगरी में जिसमें हमने डिवाइड करा है, ठीक है, थर्ड कैटेगरी को हमने बोला है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के अंदर कौन सा आ जाएंगे, लीनियर नहीं होना चाहिए, और पॉली मतलब दो से तो ज़्यादा होने चाहिए। तो NH3 मैंने बोल दिया, ये भी एक गैस है, CH4 मैंने बोल दिया, ये भी एक गैस है, SO3 मैंने बोल दिया, ये भी एक गैस है, एक्सेट्रा। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर N की वैल्यू, ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितनी हो गई 4, यहाँ पर एक कार्बन 5 हाइड्रोजन, टोटल कितने आइटम हो गए 5, यहाँ पर 4, ऑन सोन, ठीक है, इस तरीके से। तो जो वैल्यू होगी वह एफ की जगह रख देंगे, और एफ इक्वल्स टू 3n यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए क्या कर लेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में। अब क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग टाइप की होती है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग टाइप की होती है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार वीडियो पॉज करें आप और इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट इसमें लिखा मैंने ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF शॉर्ट में लिखा है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, N, ठीक है, जैसे मोल में लिखते हैं वैसा ही N है, नीचे T लिखा है, T का मतलब हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NT से, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में T लिखा है। तो ये होती क्या है, Any substance can move in space along x, y and z axis. Hence, translation degree of freedom is 3. कहने मतलब है कोई भी एटम हो, एक सिंगल एटम हो या दो एटम का मॉलिक्यूल हो या चार या पांच एटम का मॉलिक्यूल हो, वो ट्रांसलेशन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में कैसे कैसे मूव कर सकता है स्पेस में, तो हमें पता है एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन, तीन ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो भले ही मोनो एटॉमिक हो, डायटोमिक या लीनियर पॉलीटोमेटिक पॉलीएटोमिक हो या नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक हो, तीनों में से जो भी मैंने बताया कैटेगरी, तीनों में से कोई सा भी हो, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी वाली, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 ही होगी, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे में, तो इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं, ट्रांसलेशन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। कॉपी करें इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आ जाए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, सेकंड है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन आर, ट्रांसलेशन के लिए टी लगा देते हैं, रोटेशनल के लिए हमने क्या लगा देनी चाहिए, कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट में। ये क्या कहता है, एनी सब्सटेंस रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस अलोंग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइलस ही है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अलोंग कैसे कैसे ये रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, तो ये इसका कहलाएगा क्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, रोटेशन आना चाहिए। अब इसमें भी हमने क्या अलग अलग कर दिया, मोनोएटॉमिक को अलग कर दिया, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, लीनियर या लीनियर पॉलीएटॉमिक बोल दो, और एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, तीनों को जो मैंने अभी कैटेगरी बताई है। कैसे, मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। इसको आप ऐसा समझे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम हर एक एटम को क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, ठीक है, स्फीयर मतलब एक क्रिकेट बॉल या फुटबॉल बॉल मान लो, तो वो एक स्फेरिकल, ठीक है, पूरा बॉल की जैसी है। अब मैं कह रहा हूं ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने मान ली स्फेरिकल बॉल है, है ना,
है, अब थोड़ा सा 3D व्यू नजर आ रहा होगा। तो ये स्फेरिकल बॉल है। अब इस स्फेरिकल बॉल के अंदर, ठीक है, इस स्फेरिकल बॉल के अंदर मैं बोलता हूँ कि सिंपल सा एक स्फीयर, एक ही एटम है तो एक स्फीयर होगा। अब इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं अगर बात करूँ, कौन से रोटेशनल वाले, कैसे कैसे रोटेट कर सकता है, तो कैसे भी ले लो। अगर मैं बोलता हूँ ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा लो इसको, या इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा लो। क्या ये दो ही पॉसिबल है क्या? ऐसे भी करा सकते हैं हम, तो ऐसे भी करा सकते हैं। इनफाइनाइट एक्सिस आ जाएगी जिसके अलॉन्ग हम क्या करा सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई फिक्स एक्सिस है नहीं, इसलिए मोनोएटॉमिक जो हमारे पास है मॉलिक्यूल या एटम बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक ही एटम है, तो मतलब एक एटम, हर एक एटम कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, भले वो किसी भी एलिमेंट का हो, हम उसको केमिस्ट्री में स्फेरिकल इन शेप मानते हैं। वो 118, 120 एलिमेंट जितने पीरियोडिक टेबल में, हाँ उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन शेप उसका स्फेरिकल होगा बॉल जैसा। अब उसमें रोटेट करने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे तो इसके अकॉर्डिंग तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, अब इसको कैसे भी समझ लो, इसको याद रखना आपको, मोनोएटॉमिक के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो एन आर की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए कितनी है, जीरो है। ठीक है, फिर आ जाओ सेकेंड है डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डायएटॉमिक का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हो गया डायएटॉमिक, या फिर कैसे हो गया CO2, तो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, दो पॉसिबल, दोनों बना दिए मैंने, ये डायएटॉमिक बना दिया और ये लीनियर पॉलीएटॉमिक बना दिया। इसके अंदर मैं अगर पूछता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे, दो ही होगी। ऐसे ही इसमें भी यहां से सेंटर से इसके अलोंग रोटेट करे या फिर इसके अलोंग रोटेट करे, यानी तो इसमें जो डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, टू होगी। इसमें कौन से आ जाएगी, कोई सा भी मान लो, एक्स एंड वाई एक्सिस मान लो, यानी ऐसा बोल सकते हो, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब आते, अब वो एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं है, अब नॉन लीनियर होने के मतलब क्या हो गया, 3D में आ गया, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो NH3 ले लो, है ना, NH3 ले लोगे तो ये N लोन पेयर, ठीक है, H और H, कैसा शेप होता है इसका, पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक x और y एक्सिस में थोड़ी है, अब इसको x एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, और z मान लेता हूँ इसके अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब तीनों एक्सिस में आ जाएगा ये। तो इसके अंदर क्योंकि कैसा 3D, ये 2D में ऐसा मान लो तो दो एक्सिस यूज होगी, 3D में आ गया तो तीन एक्सिस यूज होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अल्टीमेटली आपको ये, ठीक है, अब समझा मैंने एक बार दिया, लेकिन याद रखना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए हमेशा जीरो होगी, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी, टू होगी, मतलब 2D में आ जाएगा, और ये नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, जिसके अंदर हमने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तीनों आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर ले। तो ट्रांसलेशनल हमने देख ली, ट्रांसलेशन तो फिक्स हो गया, वो भले कैसा भी एटम हो मॉलिक्यूल हो 3 होगा। रोटेशनल में ध्यान रखना, मोनो के लिए 0, डाई के लिए और या लीनियर पॉली के लिए क्या होगा 2, और नॉन लीनियर पॉली के लिए क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद ही रखना, समझा मैंने दिए। अब ये दो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े हमने, ठीक है, ये हमारे जेई और नीट दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हम अब पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना ही जेई मेंस वालों को परेशान होने की जरूरत है, ना ही नीट वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ फिर भी, ठीक है, क्योंकि इसका हम कंसिडर बहुत रेयर केस में करते, कब करते हो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उसके अलावा, ठीक है, बाकी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे अब तरीके एक तरीके से क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम दो ही कंसिडर करते हैं जेई मेंस और नीट के अंदर, जो एक तो हो गया ट्रांसलेशन वो फिक्स हो गया 3, और रोटेशनल वो भी फिक्स हो गया मोनो डाई या ट्राई, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल बस मुझे पता होना चाहिए वो कैसा है, मोनो डाई है, नॉन लीनियर है या लीनियर पॉली है, यानी ठीक है लीनियर पॉली या नॉन लीनियर पर, तो मैं उससे बता सकता हूँ 0, 2, 3 उसकी वैल्यू, तो फिक्स्ड हो गई। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एट इट्स ओन मीन पोजिशन,
ठीक है, उसकी जो भी जैसे अभी पढ़ा है कोई भी जैसे मॉलिक्यूल पढ़ा, अब जैसे ही मान लो इसमें वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होगा तो ये क्या इस तरीके से हिलेगा, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम कैसे भी अपनी मीन पोजीशन से क्या करता रहेगा, हिलता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जैसा नाम है वैसा है उसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे हम कैलकुलेट करें, तो हमने रिवर्स तरीका निकाला। रिवर्स क्या, मैंने बोला टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा किसके बराबर होगी, 3n के बराबर, स्टार्टिंग में बात करी, और n क्या है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका समेशन होगी, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो हमने पढ़ लिया, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वो भी मैंने बता दिया, 3n होगी। तो एक तरीके से चार मेरे पास चीज़ें थी, चार एक्स वाई जेड थे, ठीक है, एक्स वाई जेड या डब्ल्यू मान लो। तो अगर मेरे को एक नहीं पता है तो तीन तो पता कर सकता हूँ, तो वही उल्टा मैंने करा है, ठीक है। कहने का मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो किस किस के बराबर है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब इसमें क्या है, टोटल की बात हमने बात कर ली, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n बोलते हैं, या फिर मैंने उसको किससे एफ से रिप्रेजेंट करा यहां पे, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर इसको मैंने टोटल तो 3n होती है लेकिन रिप्रेजेंट किससे करा है, एफ से कराया है। फिर एन टी एन आर और एन वी, ये तो डिपेंड करेगा उसमें कौन सा मॉलिक्यूल मोनो है या जो भी, तो वही लिखा मैंने। यहाँ से क्या करा, एन वी को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों टर्म को, ठीक है, इन दोनों टर्म को क्या कहा मैं उस साइड ले गया, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एन वी इक्वल्स टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एफ है माइनस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल आ गया, ठीक है। तो बस ये करा, टोटल तीनों का समेशन के बराबर होता है, तो मुझे टोटल पता है, ट्रांसलेशन पता है, रोटेशनल पता है, तो मैं एनवी जो है मुझे कैलकुलेट करनी है तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी फॉर्म में लिखा है, नहीं, एक खास बात ये होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वाइब्रेशन कब होगा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी तो वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन होने के लिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, गैस की बात हो रही है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000 इतना टेम्परेचर हो केल्विन या डिग्री मान लो, ठीक है, तब जाके उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या करते हैं उसमें ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए यही रीज़न है कि नॉर्मली हम सिर्फ दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कंसिडर करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अनटिल अनलेस ये मेंशन नहीं किया गया कि बहुत हाई टेम्परेचर है, इनडायरेक्ट वे में लिखा हो, या डायरेक्टली लिख दिया हो कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या आप इग्नोर करो, या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप कंसिडर करो। अगर जब तक नहीं बोला गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ, तब तक हम उसको क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। हाँ, इन केस कई केसेस में इस तरह की लैंग्वेज आ जाएगी, बहुत हाई टेम्परेचर लिखा हो या टेम्परेचर मेंशन कर रखा हो 1500, 2000 या उससे ऊपर, तब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या मानेंगे, कंसिडर करेंगे। तो वही लिखा है, इट इज एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर यह क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब मेरे को जैसे मोनोएटॉमिक के लिए अगर कैलकुलेट करनी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो है चीजें सिंपल ही, लेकिन फिर भी मैंने बता रहा हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको इतना याद या रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो चीजें समझ में आ गई तो आसानी से कैलकुलेट। अब मेरे को मोनोएटॉमिक के लिए कैलकुलेट करना है, तो एनवी इक्वल्स टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3n, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, माइनस ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, वो कोई भी हो 3 रहेगी, लेकिन रोटेशनल क्या होती है मोनोएटॉमिक के लिए, 0, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो 3 + 0 = 3, तो 3n माइनस 3। अब ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मोनोएटॉमिक की तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में 1 लिख दिया n की जगह, तो 3 × 1 - 3 = 0, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए भी क्या होती है, 0। तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, ट्रांसलेशन तो 3 होगी, रोटेशनल 0, और वाइब्रेशनल भी क्या है, 0, ठीक है, रटना नहीं है, मैं समझा दिया किस तरीके से आए, ठीक है, तो बस ट्रांसलेशन और रोटेशनल समझ में आ गई तो बाकी वैसे भी हो जाएगा। इसी तरीके से डायएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो एनवी इक्वल्स टू क्या होगा, 3n माइनस ट्रांसलेशन तो 3 रहती है कोई सा भी हो, रोटेशनल डाई के लिए क्या हो जाती है, डाई या लीनियर पॉली के लिए क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, तो 3n - 5। अब यहाँ वैल्यूज नहीं रखी क्योंकि मैंने यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, डाई के लिए तो 2 होगा ऑलवेज, तो 6 - 5 = 1 आएगा, लेकिन मान लीजिए जैसे CO2 हो गया, ये कार्बन सब ऑक्साइड हो गया, तो n की वैल्यू वेरी कर जाएगी, तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेना और कैलकुलेट कर लेना यानी। इसी तरीके से नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एन वी की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशन हमेशा 3 रहती है, और नॉन लीनियर पॉली के लिए क्या होगी,
रोटेशनल की वैल्यू 3, तो वो मैंने यहाँ पे रखी है 3, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3 प्लस 3 6, तो 3n-6 वापस n डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है, CH4 है तो 5 हो जाएगा, NH3 है तो 4 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वो वैल्यूज रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतना कोई टफ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ इसमें कुछ, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक अनटिल अनलेस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेंशन नहीं किया गया या उसके बारे में बोला नहीं गया कि इसको कंसिडर करना है बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, तो कैलकुलेशन को किससे थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, कैसे वो भी बताऊंगा। तो इसको कंसिडर नहीं करना जब तक इसके बारे में बोला नहीं गया, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा मैंने इसको कंक्लूड करने के लिए, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना दिया है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर मैंने जो बोला था लास्ट में कि मैं प्रूव करूँगा कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n होगी, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगी, वो मैं यहाँ पर समझाने की या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करिए और ध्यान से देखिए ना, मतलब चलो पहले सुन लो फिर देखना। यहाँ लिखा मैंने टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे फर्स्ट कॉलम में तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, और नीचे लिखा टोटल, फिलहाल के लिए इसको भले इग्नोर कर दो टोटल के लिए। फिर सेकंड कॉलम में मैं लिखा मोनो एटॉमिक, हीलियम, नियोन, एर्गन, इसके एग्जाम्पल लिख दिए। फिर थर्ड कॉलम में लिखा मैंने डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली लिख दिया मैंने, उसके एग्जाम्पल भी लिख दिए, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक लिख दिया और उसके एग्जाम्पल लिख दिए। कहने का मतलब है अब आपको ट्रांसलेशन है तो आपको मोनो के लिए ट्रांसलेशन की वैल्यू बतानी है, फिर डाई के लिए और लीनियर पॉली के लिए बतानी, फिर नॉन लीनियर और पॉली के लिए बतानी, इस तरीके से रोटेशनल के भी लिख दो और वाइब्रेशनल के भी लिख दो, अभी जैसे हमने पीछे कैलकुलेट करा, और फिर सब इन तीनों कॉलम का सम करोगे तो ये हमेशा 3NE आएगा, ठीक है। तो एक बार खुद वीडियो पॉज करके और इसको, ठीक है, जो टेबल मैंने बनाई है इसको बना के फिल करने की कोशिश करें, फिर चेकआउट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। मोनो एटॉमिकली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो हो, डाई हो, या क्या हो, लीनियर पॉली हो या नॉन लीनियर पॉली हो, हमेशा क्या आएगी इसकी वैल्यू तो 3 आएगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। रोटेशनल की अगर हम बात करें तो रोटेशनल के लिए मोनो की वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। डाई के लिए कितनी होती है, एक्स और वाई, 2D के अंदर आया था तो 2 आएगी, और इसमें एक्स, वाई और जेड, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। वाइब्रेशनल की अभी बात करी हमने, ठीक है, तो वाइब्रेशन के अंदर क्या आएगा, इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, अभी हमने देखा है, नहीं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती, ठीक है, अब रटने की कोई जरूरत नहीं, टोटल माइनस इन दोनों को करना है, बट टोटल क्या है, 3n है, और माइनस ट्रांसलेशन पर रोटेशन को करना है, ठीक है, इसको भी वैसे कर सकते थे, ठीक है। टोटल कितनी, 3n है, और n मोनो के लिए तो 1 ही होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 3, और माइनस इन दोनों को करना है, तो 3 प्लस 0 3 होगा, तो 3 माइनस 3 फिर से 0 हो जाएगा। यहां पर क्या है, वाइब्रेशन के लिए क्या, टोटल तो है 3 माइनस टोटल 3, इन दोनों को रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 5, तो 3n माइनस 5 हो जाएगी, सही है। और इसके लिए आप वापस से देखोगे तो टोटल हो जाएगी 3 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब इन सबको ऐड, मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगी, 3n ही होगी, यानी, ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो 3000 कितनी है वैल्यू आ रही, 3। हाँ, इसको n लगा दो यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि n की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए क्या होनी, 1, तो 3n भी आ जाएगा, और वैसे ही बोल सकता हूँ 3 भी हो सकता है, कैसे भी आप बोल लो, ठीक है। इसी तरीके से डाई के लिए मैं सबको ऐड कर दूँ तो 3 प्लस 2 5 और 3n माइनस 5, इन सबको ऐड करूंगा तो प्लस 5 और माइनस 5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, 3n बचेगा, यानी बस n डिपेंड करेगा कौन सा, या इन दोनों के लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ वैल्यू नहीं लिख रहा। इसी तरीके से नॉन लीनियर के लिए ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 6 और माइनस 6, तो 0 हो जाएगा ये, मतलब 3n माइनस 6 प्लस 6 करेंगे तो वापस से वैल्यू क्या आएगी, 3n आएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n होगी, और n बस कौन सा एटम होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में पहला अजम्पशन माना था उसी को मैं थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर मैंने करी है, क्लियर है। तो अब एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। अब आते हैं हम आगे, यह एक फॉर्मूला लिखा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से इतना सब कुछ हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, सीवी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये, तो यहां पे रिलेशन है सीवी का, ठीक है, किसके साथ,
डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह हमारे हमें नहीं करना, ना हमें सिलेबस में ना कोई उसमें इंटरेस्टेड है। हाँ, फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि सी वी इज इक्वल्स टू एन टी, मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस एन आर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टू आर मतलब गैस कॉन्स डिवाइड बाई टू प्लस एन वी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टू आर। तो मैं ये कह रहा था क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि जब भी हमें सी वी कैलकुलेट करना होगा किसी भी आइडियल गैस के लिए, मोनो डाई पॉली नॉन लीनियर लीनियर, ठीक है, तो उस केस में हमें अगर एन वी की वैल्यू भी कंसिडर करेंगे तो ये पार्ट ऐड हो जाएगा, तो सी वी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। इसलिए अनटिल अनलेस आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करना है, तब तक आप इसको इग्नोर करें। और दूसरी बात, अगर उसमें बहुत हाई टेम्परेचर दे रखा तभी आप इसको कंसिडर करें, अदरवाइज इग्नोर करें। तो जब भी मेरे को सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो नॉर्मली मैं इस पार्ट को हटा दूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, एन वी को जीरो मान के चलूंगा और सिर्फ इससे मैं सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। और एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, मैंने बता दिया, नोट के फॉर्म में मैंने वही चीज लिखी है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एन वी इज ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो अनलेस अदरवाइज मेंशन इट इज अज्यूम टू बी एब्सेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखना। अब इससे होगा क्या कि यहां पर मैंने इस इतना डिटेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी वी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का सी वी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा ही था, ठीक है, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर हो जाएगा, या उल्टा मैं बोल दूँ सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो अगर मेरे पास क्या है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो सी वी की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, तो सी वी की वैल्यू यहाँ रखूँगा उसमें आर ऐड कर दूंगा तो सी पी भी पता लग जाएगा, आ रही बात समझ में। और अगर मेरे को सी पी पता लग गया तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा जो गामा पॉइजन रेशियो उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो क्या होगा, गामा इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी, क्लियर है। तो यहाँ से ये सारी गामा और गामा के कैलकुलेशन एक्चुअल आगा सर है सी पी अपॉन सी वी का रेशियो है, और सी वी कहाँ से सी पी कहाँ से कैलकुलेट हुआ, सी वी से, और सी वी कहाँ से कैलकुलेट हुआ, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करें और फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको पता लगे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां पे, कैलकुलेट तीन चीज कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड गामा पॉइजन्स रेशियो फॉर गिवन एटम्स और मॉलिक्यूल अज्यूमिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एब्सेंट। ठीक है, साफ साफ लिख दिया इसमें कि मेरे को एन वी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस पार्ट को क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे और उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला मैंने केस वही लिया है, यहाँ पे मोनो एटोमिक हीलियम नियॉन और एर्गन। ठीक है, मतलब कोई भी मोनो एटोमिक गैस ले लो, तो मोनो एटोमिक का मतलब क्या हो गया कि मुझे ये वैल्यू पता, ये पता लग गया है कि उसमें, ठीक है, एन टी की वैल्यू क्या होगी और एन आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो ऑलरेडी हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो चाहो तो खुद से वीडियो पॉज करके खुद एक बार आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले, ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही बोला मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक बोलते ही इसका मतलब क्या होगा, एन टी तो फिक्स है, वो कोई सा भी मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू होगी थ्री, एंड जो एन आर है रोटेशनल उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। वाइब्रेशनल से मुझे मतलब ही नहीं है क्योंकि उसने बोला इसकी ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सी वी। तो सी वी का फॉर्मूला क्या है, एन टी प्लस एन आर इन टू आर बाई टू, और आगे वाला पार्ट में इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि उसको हमें क्या मान के चलना है, नेग्लिजिबल मान के चलना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर एन टी की जगह क्या रखेंगे, थ्री, प्लस एन आर की जगह रखेंगे ज़ीरो इन टू आर अपॉन टू। दैट मीन्स जो सी वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो रही है वो आ रही है थ्री आर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, सी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सी वी कैलकुलेट कर ली। तो अब यहाँ से हम सी पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी पी क्या होगा, सी वी प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी वी की वैल्यू मैंने रखी थ्री आर बाई टू प्लस आर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव आर बाई टू, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, जो सी पी होगा वो हो जाएगा फाइव आर बाई टू। ठीक है,
तो दो वैल्यूज मैंने क्या कर ली यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, सीवी की भी कर ली और सीपी की भी कर ली यानी, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, गामा कैलकुलेट करना है। तो गामा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, गामा कैलकुलेट करने के लिए गामा क्या होगा, गामा कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सी पी अपॉन सी वी का रेशियो, यही लिखा है भी फॉर्मूला, ठीक है। तो सी पी अपॉन सी वी का रेशियो, तो सी पी मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये है 5R/2 डिवाइडेड बाय सी वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 3R/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/3। तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू हमने क्या कर लिए, इसमें कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इसमें जो कंक्लूजन वाली बात है, ठीक है, कंक्लूजन मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मोनोएटॉमिक गैस वो भले हीलियम हो, नियोन हो, एरियन हो, या कोई सी भी हो, या मेरे को नाम भी नहीं पता गैस का, और उसने सिर्फ इतना लिख दिया मोनोएटॉमिक, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है कौन सी, यहां पर ये जो वैल्यूज है एनटी और एनआर, ये तो फिक्स हो गई, ये मोनोएटॉमिक बोलते हैं, अभी देखा हमने ये चेंज ही नहीं होगी। ये जैसे फिक्स हुई तो आर के टर्म्स में निकालना हमें, ठीक है, आर की वैल्यू रख के रखनी नहीं है जब तक जरूरत ना हो, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू फिक्स हुई तो सी वी की वैल्यू इसके लिए फिक्स हो गई, हमेशा क्या रहेगी मोनोटॉमिक, 3R/2। इसी तरीके से सी पी की वैल्यू भी हमेशा फिक्स होगी 5R/2। तो गामा की वैल्यू हमेशा ऑलवेज मोनोएटॉमिक के लिए फिक्स होगी, गामा इक्वल्स टू क्या हो गया 5/3। चाहो तो आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन छोटा सा किस तरीके से कैलकुलेशन हुई मैंने बता दी, लेकिन आपको ध्यान रखना जैसे मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया तो गामा की वैल्यू क्या होगी 5/3 होगी, क्योंकि फिक्स हो गई है, क्योंकि जैसे फिक्स हुई कहाँ से निकला, ट्रांसलेशन और रोटेशनल से, वो वैल्यू फिक्स है, गैस को बदलती रहे भले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमेशा सेम रहनी। तो इस रिजल्ट को चाहो तो आप क्या डायरेक्टली भी याद रखो तो और ज़्यादा अच्छा है, न्यूमेरिकल करने में जल्दी जल्दी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करें और कॉपी कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैंने लिखा है किसके लिए, डायएटॉमिक और, ठीक है, डायएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक O2, N2, CO2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में मैं रिजल्ट भी बता रहा हूँ आपको, यानी है ना, तो इसको भी चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो जैसे अभी हमने करा था। तो वापस से जैसे डाई और लीनियर पॉली बोला है तो एन टी की वैल्यू क्या होगी फिक्स, ये तो हमेशा रहता 3, एंड यहाँ पर एन आर की वैल्यू ये हो गई है क्या 2, ये भी होती है फिक्स, ठीक है, एन वी से हमें मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सी वी कैलकुलेट करेंगे विच इज एन टी प्लस एन आर इंटू आर बाई टू, वैल्यूज रख दें 3+2 इंटू आर बाई टू, इसका मतलब क्या होगा 3+2 5। तो यहाँ से सी वी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5R/2, ठीक है। ये किसके लिए होगी, डाई और लीनियर पॉली के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करें, सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, सीपी हो जाएगा सीवी प्लस आर, ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो यहां से सीवी की वैल्यू मैंने लिखी 5R/2 प्लस आर, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा ये, तो सी पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5+2 7R/2R। तो ये रिजल्ट सी पी के लिए आ गया हमारे पास। इसी तरीके से लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, गामा कैलकुलेट करना है। तो गामा किसका रेशियो होता है, सी पी अपॉन सी वी का रेशियो होता है। तो यहाँ पे सी पी लिखा, यहाँ पे सी वी लिखा, सी पी की वैल्यू 7R/2 और सी वी की वैल्यू 5R/2। तो यहाँ से गामा की वैल्यू जो कैलकुलेट आएगी, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 आएगी। किसके लिए, ये आएगी डाई एटॉमिक या
लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए फिर से ये एक रिजल्ट आ गया है, और इसको डायरेक्ट ध्यान रखिए, गामा 7/5 होगा। डाई बोल दे, कोई गैस दे दे, फॉर्मूला दे दे तो आप पहचान सकते हैं वो कौन सी गैस है, या फिर सिर्फ नाम दे दे तो भी हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। और लास्ट इसमें मैंने मेंशन कर दिया फिर से, ठीक है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और एग्जांपल भी मैंने बता दिया इसमें। ठीक है, ये चाहे फिर से खुद से वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हैं आप, और कैलकुलेट करें सी पी सी वी और गामा की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे नॉन लीनियर पॉली बोला तो एन टी की वैल्यू ट्रांसलेशन फिर से ये तो हमेशा क्या रहेगी 3, एंड यहाँ पे एन आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसे ये वैल्यू आ गई तो सी वी कैलकुलेट कर लो, सी वी इज इक्वल्स टू एन टी प्लस एन आर इंटू आर बाई टू इज इक्वल्स टू 3+3 इंटू आर बाई टू, तो वो क्या हो जाएगा 6, और 6/2 मतलब कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3R। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3R हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सी पी भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सी वी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 3R हो जाएगी। सी पी जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो सी पी क्या होता है सी वी प्लस आर होता है, तो सी वी की वैल्यू तो होगी 3R प्लस ये R है ही। ठीक है, तो मिला के क्या हो जाएगा 4R, तो यहाँ से सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4R। और लास्ट जो गामा हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, तो गामा क्या होता है सी पी अपॉन सी वी होता है, तो सी पी 4R है और सी वी क्या है 3R है, तो यहाँ से गामा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। और फाइनली, ठीक है, ये हमने नॉन लीनियर पॉली के लिए भी एक रिजल्ट निकाल दिया जिसको आप डायरेक्ट ध्यान रखें। तो गामा अगर मैं बोलूँ मोनो के लिए होगा गामा 5/3, डाई या लीनियर पॉली के लिए होगा 7/5, एंड गामा जो है नॉन लीनियर पॉली के लिए होगा 4/3। ठीक है, तो मैंने वैसे बता दिया छोटे छोटे डेरिवेशन फार्मूलास आपको पता है 2-3 फॉर्मूले, तो आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकता है लेकिन इन वैल्यूज़ को भी आप डायरेक्ट ध्यान रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। ठीक है, ऑलमोस्ट सब सारी क्वांटिटीज़ की हमने बात कर ली, फंक्शंस की बात कर ली। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को हम डिटेल में एक बार देखेंगे, तो वही हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी उसको कई बुक्स में, ठीक है, कई बुक्स में इंट्रिंसिक एनर्जी भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, कभी इंट्रिंसिक लिखा हुआ गया तो उसका मतलब भी क्या है इंटरनल एनर्जी। अब नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये क्लोज्ड सिस्टम मान लिया, एक सिलेंडर, ठीक है, क्लोज सिस्टम है ये, इसके अंदर आइडियल गैस फिल है। अब इस क्लोज सिस्टम में जो आइडियल गैस है उसके पास क्या सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी क्या? नहीं, उसमें बहुत तरीके की एनर्जी होती है। ठीक है, इनफैक्ट इतनी सारी एनर्जी होती है कि हम एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते कि कौन कौन सी क्या एनर्जी है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इंटरनल एनर्जी का मतलब आ गया उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल, जितनी भी एनर्जी आती है, ठीक है, और जितनी भी काइंड ऑफ एनर्जी होती है सारी एनर्जी उसमें इंक्लूड हो जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो वही लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जितनी भी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है अंदर, जिसे हम अज्यूम या कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, वो सारी एनर्जी का जो समेशन है उसको हमने कॉमन नाम दे दिया इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी उसको बोला हमने इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से इंटरनल एनर्जी को किससे यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस अदर सारी एनर्जी आ जाएगी।
फिर हमें पता ही ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक ही स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल की हम बात करेंगे, इन बिटवीन कैसे वो प्रोसेस हो रहा उससे मतलब नहीं है। इसे हम क्या बात करते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, चेंज की बात करते हैं। यानी इसी से स्टेट फंक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है सुनने में अजीब लगता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, कि हम इसके लिए बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की, वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ अभी ये सिस्टम है तो इसके अंदर एग्जैक्टली अब इस प्रेजेंट टाइम में कितनी इंटरनल एनर्जी, वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मान ली कितनी U1 मान ली, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन U1 मान ली। अब इसके ऊपर मैंने हीट दी या हीट निकाली, इसके ऊपर मैंने वर्क किया या इससे वर्क करवाया, ठीक है, उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो मैं बता सकता हूँ। तो U1 प्लस जो भी इसमें वर्क हीट जो आएगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बेस्ड है, उसमें फर्स्ट लॉ में और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब जो भी इसमें हमने हीट का लेना देना हुआ या वर्क इसमें से लिया या वर्क करवाया, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इतना हमने इसमें क्या हुआ, चेंज आया। तो उस फाइनल वैल्यू को मैंने फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी 100 है, मैंने मान ही लिया अजम्पशन 100 जूल एनर्जी, उसमें से मैंने क्या 50 जूल इसमें क्या एनर्जी ऐड कर दी, 50 जूल एनर्जी ऐड कर दी, तो अब कितनी होगी 150। तो मैं बोल सकता हूँ कि 50 तो मैंने ऐड करी है, 50 निकाली है, तो 50 का चेंज तो मुझे पता है, लेकिन इनिशियली कितना था वो नहीं पता। तो मैं डेल्टा यू या चेंज इन एंथैल्पी बता सकता हूँ, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकता हूँ, वो है 50। लेकिन एग्जैक्टली मुझसे पूछोगे कि पहले कितनी थी तो वो नहीं पता, नहीं जितनी भी थी उसमें मैंने 50 ऐड करी या निकाली वो बता सकता हूँ, मतलब चेंज बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो ये पॉइंट है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो पता ही है आपको कि इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा गैस होगी तो इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगी, कम होगी तो एक्सटेंसिव है, मास पर डिपेंड करेगी। और जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था उसी से रिलेटेड, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, हेंस वी कैन डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कितना का चेंज हुआ, उसमें से कितना निकाला या कितना हमने डाला वो हमें पता, वो चेंज एक तरीके से, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा है DU इक्वल्स टू NCV DT, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो कुछ नया नहीं, हमें पता है कि हमने, ठीक है, जब हीट की बात करी थी, ठीक है, हीट की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने बोला था कि कॉन्स्ट जो हीट होती क्यू, इन जनरल हम क्या लिखते हैं, क्यू NC DT लिख लो या डेल्टा T लिख लो, कुछ भी बात, ठीक है, या चलो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, DT लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्यू इक्वल्स टू NC DT, है ना, इधर भी D लगा देता हूँ, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू NC DT या DQ लगा के NC DT। अब मैंने बोला अगर, ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये DQV हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, तो ये N हो जाएगा और C की जगह क्या हो जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये तो DT रहता ही है। इस केस में जो DQ होता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था DQ होता है, वो किसके बराबर हो जाता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो वहाँ से ये मैंने लिखा है DU इक्वल्स टू NCV DT। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, फ्लॉट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ठीक है, फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, DU इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि DW को क्या लिखेंगे, P डेल्टा V, और डेल्टा वी इस केस में क्या होता है, जीरो आइसोकोरिक में, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये इसके बराबर हो जाता है, इसकी जगह मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो कैसा है वो थोड़ा सा मैंने बता दिया, वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था। अब इसी के अंदर ये तो बहुत हुआ स्मॉल प्रोसेस के लिए, अगर मेरे को बड़े के लिए देखना है तो मैं क्या करूँ, बस इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दूँ, U1 से लेके U2, जैसे मैं बता रहा हूँ इनिशियल मैंने मान लिया U1 है और U2 फाइनल हो गया जितना मैंने उसमें ऐड या सबट्रैक्ट करा, इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ किसका आ जाएगा, T1 से T2, क्यों, क्योंकि N और CV तो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, और N नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो इसको तो चाहो तो इंटीग्रल के बाहर लिख लो, तो मैंने अभी इस तरीके से लिख दिया। इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, U आ जाएगा, उसकी अपर लिमिट आ जाएगी U2, लोअर लिमिट आ जाएगी U1, ठीक है, और यहाँ पर NCV ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, T अपर लिमिट आ जाएगी T2, लोअर लिमिट आ जाएगी T1, इसको फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1। तो फाइनली इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल्स टू
nCV delta t, ठीक है। तो कुछ नया नहीं करा, सिंपल से बस वह इंटीग्रेट करके छोटी के लिए बड़े की जगह दिखा दिया मैंने, लिखा वही है, डी की जगह क्या आ गया, सिर्फ डेल्टा आ गया, यानी ठीक है। तो यहां पर मतलब ये फॉर्मूला है किसका, मैं बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला जो है वो है इंटरनल एनर्जी का, जिसे आपको ध्यान रखना है, सॉरी ठीक है, या ऐसे ध्यान रख लो या ऐसे ध्यान रख लो, एक ही बात है ठीक है, बस स्मॉल चेंज के लिए, थोड़े बड़े चेंज के लिए। तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जिसे आप याद रखना है आपको, इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर होती है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और हीट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, वो मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है, क्लियर है। तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करें। अब बढ़ते हम आगे एंथैल्पी पे, ठीक है। एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से, इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंथैल्पी के बारे में लिखा है, एंथैल्पी से मैथमेटिकल फंक्शन है कि कैसे है, मैं वो अभी थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन टाइप उसको करके बताता हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज ए स्टेट फंक्शन, तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी, एंथैल्पी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एनर्जी से ही रिलेटेड है यानी, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी में क्या क्या इंक्लूड है वो हम इसमें बात करने वाले, अभी क्या है वो देखते हैं अभी। तो ये एंथैल्पी का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना, एंथैल्पी का मतलब ही एनर्जी होता है, तो कुछ लोग एनर्जी बोल देते हैं और एग्जैक्ट इसका वर्ड एच एंथैल्पी होता है, ठीक। फिर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी तो ऑब्वियसली बात है किसने, मास पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब है, इसमें भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑलवेज इसका जो चेंज इन एंथैल्पी उसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी जो एनर्जी है वो किसका समेशन होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क का, पीवी मतलब पी डेल्टा वी जो लिखते हैं ना, पीवी वर्क भी बोलते हैं उसको, तो वर्क ही है पीवी, पी डेल्टा वी या पीवी, इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी या पी डी वी, ठीक है। तो वर्क है, तो वो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी का समेशन जो होता है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ प्रूव करके। तो अगर उसमें इंटरनल एनर्जी इंक्लूड हो रही, तो मुझे इंटरनल एनर्जी की जब एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो एंथैल्पी की कैसे कर लूंगा, इसलिए इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, हाँ हम इसमें चेंज की बात कर सकते हैं। तो वही लिखा है, इट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क, जो अभी मैं बता रहा था कि ये किसका समेशन है, एक तरीके से इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क का समेशन होता है। और इंटरनल एनर्जी खुद कैसा है, एक स्टेट फंक्शन है, तो ये भी ऑब्वियसली स्टेट फंक्शन होना ही है, और दूसरा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी इंटरनल एनर्जी की भी नहीं कैलकुलेट की जा सकती, तो इसकी भी नहीं की जा सकती। तो वही लास्ट पॉइंट लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, हैंस वी डिटरमाइन चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब सारे पॉइंट बाकी तो समझ में आ गए होंगे, मैथमेटिकल फंक्शन कैसा है, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले पहले, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लॉट ही होगा, फर्स्ट लॉ लॉज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन मैं जरूर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्लॉट जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो हमें पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, ठीक है, डेल्टा लिख लो या डी लिख लो, चलो डी लिख देता हूँ स्मॉल चेंज के लिए, डी डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब हमें पता है इसके अंदर जो डी क्यू है वो एज इट इज लिखा मैंने, और जो डी डब्ल्यू है, ठीक है, जो डी डब्ल्यू है वो क्या पी वी वर्क है, और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और पी डी वी आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा डी यू, सही है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर इसमें मैंने वर्क डन की जगह नेगेटिव ऑफ पी डी वी लिख दिया, उसका जो फॉर्मूला होता है, इस पी डी वी को मैं एल एच एस में ले गया, तो ये हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू क्या करा मैंने डी क्यू लिख दिया। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करा मैंने, दोनों साइड, ठीक है,
इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है, एलएच और आरएचएस में कुछ भी ऐड या सेपरेट करो कोई फर्क नहीं करता, सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या करा, दोनों साइड पे डीयू प्लस पीडीवी के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, वीडीपी ऐड कर दिया इधर, और इसी तरीके से डीक्यू इक्वल्स टू वीडीपी इधर भी ऐड कर दिया। मतलब ये टर्म एलएचएस में भी ऐड कर दिया, ये टर्म आरएचएस में भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब एलएचएस में देखोगे तो थोड़ा, ठीक है, हो सकता है मैथमेटिक्स वालों को समझ में आ जाए, डिफरेंशिएशन वगैरह उन्होंने पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी पढ़ा ही देते थोड़ा बहुत इस तरीके से। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे यहां मैंने लिखा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइप में बोल सकता हूँ। तो x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन करा, प्लस y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन करा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई कर रहे हैं। तो एक बार x को कांस्टेंट रखना, y का डिफरेंशिएशन, y को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन, तो वो यहाँ से मुझे दिख रहा है। एक बार p को कांस्टेंट रखा, v का डिफरेंशिएशन, प्लस एक बार v को कांस्टेंट रखा, एक बार p का डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, डी यू प्लस, जैसे मैंने लिखा ना वहाँ पर d ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, p इंटू वी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस वी डी पी, ये एज इट इज है, क्लियर है। अब LHS में मैं क्या कर रहा हूँ, d दोनों के लिए कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, d दोनों के लिए कॉमन ले ले रहा हूँ, तो u प्लस पी वी इस तरीके से लिखा मैंने यहाँ पर, डी क्यू प्लस वी डी पी इसको एज इट इज लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं करा। अब यहाँ जो LHS में मैंने U प्लस, ठीक है, U प्लस जो PV लिखा है, U प्लस PV जो LHS में लिखा, यही एक्चुअल में क्या है, मैंने क्या बोला, एंथैल्पी इज समेशन ऑफ एनर्जीज इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क। तो ये हमारा यहाँ पर H बन गया, यानी तो ये हो गया dH इज इक्वल्स टू dQ प्लस VdP, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगे, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इससे दो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करूँ, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज पी कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो चेंज होगा dp की वैल्यू, चेंज इन प्रेशर, वो क्या होनी चाहिए, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो dp है ये क्या होगा, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ dh को मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, dh को मैंने ऐसे ही लिखा है, और dq और इसके नीचे मैंने लगा दिया p, और ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, V dP हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि यहां से dP जीरो। तो dH इक्वल्स टू dQP हो गया, और ये लास्ट लेक्चर मैंने बात करा था कि मैं इसको आपको बताऊंगा ये रिजल्ट आया कैसे। तो यहां से आया कि मैं बोल सकता हूं हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा लगा लो या डी लगा लो, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने करा था। एक तो हमने क्या बताया था, du इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। और मैंने बोला था ये मैं जब एंथैल्पी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जैसे ही करा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एंथैल्पी के बराबर। और जो QP की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से QP की वैल्यू और मैं लिखूँ, QP की वैल्यू अगर यहाँ से और लिखूँ, तो dH मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, dQP, और हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, NC, C क्या बन जाएगा यहाँ पे, P एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, CP dT के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इस रिजल्ट की जगह मैंने ये कंबाइन एक लिख दिया। तो dH अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, तो एक तो एक ये फॉर्मूला हो गया कि मेरे को NCP dT इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ, और दूसरा चीज़ जो मैंने यहाँ पर ऊपर आ ही चुका है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, यू प्लस पी वी की जगह एच लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ,
ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं एच, या फिर ऐसे लिख सकता हूं डी एच इज इक्वल्स टू, ठीक है कंबाइन करके लिख देता हूं, चलो फिर ऐसे लिख देता हूं, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ठीक है, तो अभी जो हमने डेफिनेशन की बात करी थी, ठीक है वही चीज़ है ये कि एक तो क्या एंथैल्पी है वो किसका समेशन है, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क का। दूसरी चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ये किसके बराबर है, तो दो फॉर्मूले यहाँ से हमने क्या करे डेराइव करे। डेरिवेशन एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फिर से मैं बोल देता हूँ, लेकिन हाँ ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये आपको याद होने चाहिए। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तो आपको इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क बताओ, अदरवाइज आपको एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करनी है तो हीट के बराबर होगी। डायरेक्ट हीट पता तो ठीक है, और नहीं पता तो एन सी पी डी टी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ डेराइव करे। तो फिर से नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके और चेक देख लेना, ठीक है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक है तो इसको आप वीडियो पॉज करके और कॉपी कर ले। तो इस तरीके से हमने क्या एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की भी बात कर ली है, और अब इसके आगे हम ठीक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, लॉज और जो भी प्रोसेसेस उसमें आते हैं और न्यूमेरिकल वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।